भाइयों को राम राम। आप देख रहे हैं कृषि मंत्रा प्रोग्राम। और किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीआई कंपनी के करीना और कीटा जीन के बारे में जानकारी, वो क्या काम करते हैं और किस फसल में मुख्यतः यूज होते हैं। लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी हम ज़रूरी जानकारियां लेकर आते हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आप लगातार उसको देखना चाहते हैं तो एक बेल आइकन की घंटी होगी, उसको भी ज़रूर दबा दें। फिर बात शुरू करते हैं दोस्तों करीना और कीटा जिनके बारे में। पीआई कंपनी के दो सर्वाधिक बिकने वाले ब्रांड हैं और ये तो अमूमन सभी फसलों में यूज होते हैं क्योंकि इल्ली की समस्या सभी में होती है। उसमें करीना काम में आती है जिसमें 50% प्रोफेनोफास होती है, और कीटाजिन एक उत्तम फंगीसाइड है। इसमें 48.1% कीटाजिन पीआई फॉर्म में होता है, आईपी फॉर्म में होता है। तो किसान भाइयों, इस समय आपका नासिक का प्याज का रोप जो है वो पूरी तरह से तैयार होगा लगने के लिए। और कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने खेत छोड़ रखे थे प्याज लगाने के लिए, उन्होंने लगा भी दिया है। तो इस समय प्याज में चूँकि बादल ज़्यादा हैं तो ईल की भी शिकायत है और फंगस की भी शिकायत है। तो आपके लिए है उत्तम ऑप्शन होगा करीना और कीटाजिन के उपयोग करने का, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई तो खुद इसके बारे में जानते होंगे, वही यूज करते आए हैं करीना और कीटाजिन के बारे में। लेकिन अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं। अगर आपकी प्याज में कोई भी समस्या है इल्ली और फंगस को छोड़ के, तो आप इस पर जरूर कमेंट बॉक्स पर बताएँ ताकि हम आपके पास तक समय समय पर जानकारी लेकर आते रहें। और अगर आप देसी प्याज लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में जो सुझाव चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएँ, हम आपके पास वो सुझाव लेकर आएँगे, उन चीज़ों का जवाब लेकर आएंगे। जय हिंद, जय किसान।